तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। मूसा क्या बच्चों की तरह रोना गाना कर रहा है? एक मंगनी थी, टूट गई, समझा लो अपने दिल को। और उस दिन ना तेरा दिल रखने के लिए मैंने फोन ले लिया था। अगर तू कहता ना तो मैं तुझे वापस कर देती हूँ, बस तू मेरी जान छोड़ दे। देख मूसा, मुझे ना तो तेरे से और तेरे कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। और तुझे अगर कुछ करना है ना तो तू अपने लिए कर लेना, नहीं तो कोई और ढूंढ ले, उसके लिए कर ले। सच्ची बात है रूही, ना कभी तेरी थी, ना आज तेरी है, ना कल होगी। समझ लेना ये बात को। नहीं समझ सकता इस बात को। अपने नसीब की बात है बेचारा। अनीशा बीबी ने जिसके लिए चॉकलेट का डब्बा रखा था वो तो अब रहा नहीं, इसीलिए तो रूही तुझे खानी पड़ी है। मौत भी कितनी अजीब चीज है ना, किसी दूसरे को एक जगह खाली छोड़नी पड़ती है। इससे क्या ही होता ना, खुजैपा की जगह अनीशा बीबी मर जाती तो रूही के तो वादे नियादे हो जाते। जिस तरह चॉकलेट मेरा नसीब बन गया ना, उसी तरह साहब जी का साथ भी मेरा मुकद्दर बन गया था। लेकिन खैर है, कब मौका बहुत अच्छा रूही तेरे पास, उसका फायदा उठा ले। तो साहब जी, ऐसे कहते हैं जब साहब जी आएंगे ना, कोई ना कोई ड्रामा करके रोक ही लूं, फिर साहब जी को अपनी रूही के लिए रुकना ही पड़ेगा।